अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर आफाकी। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में आइनी इर्तिका और इस्लाम। इस हवाले से हम करारदादे मकासद के अहम निकात आज देखेंगे। तो पाकिस्तान में जो है आइनी इर्तिका और इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए, पाकिस्तान में इस वक्त जो है तीन कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी इम्प्लीमेंट है, तो इस हवाले से हमने देखना है कि इस्लाम का क्या रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो है, और इन सब में जो है सबसे अहम चीज है जो है वो है करारदादे मकासद। करारदादे मकासद का रोल इतना अहम है कि ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है दिबाचा है, और तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को में इसकी अहमियत इंतहाई ज्यादा अहम है। इवन अगर हम देखें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आठवीं तरमीम जो जियाउल हक ने की थी, उसमें करारदादे मकासद को आइन का आर्टिकल 2(2)(a) का जो है बकायदा हिस्सा बनाया गया है, यानी प्रियम्बल के साथ साथ ये आइन का हिस्सा भी है। यानी इस इन नकात की जो है इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आए जरा अब हम लोग जो है जो हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन है करारदादे मकासद का, उस पर थोड़ी रोशनी डाल लें। उसमें जो है सबसे पहले तो आप ये जान लें, पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो है इब्तदार में 69 मेंबर्स थे, और बाद में ये 10 मेंबर्स बढ़ के 79 मेंबर हो गए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पहला काम जो है करारदादे मकासद था। करारदादे मकासद के जीवन में जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी जो है क्रिएट हुई, वो ये थी कि आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर होगा या इस्लामी। अब ये एक जो है बहुत अहम मसला बना, हालांकि ये नॉन इशू था। नॉन इशू इस लिहाज से कि उनके वाजिया तौर पर जो है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। कायदे आजम की हम लोग स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, बल्कि अहम तरीन नारा भी ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कायदे आजम के ये अल्फाज भी कि हम जो है एक मुल्क हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे इस्लामी असूलों के जो है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब बातें और जो है मुख्तलिफ बातें जो है वाजिया करती है कि पाकिस्तान को जो इस्लाम के लिए हासिल किया गया है। अगर सेकुलर निज़ाम ही इम्प्लीमेंट करना होता तो कांग्रेस जो है वो भी तो सेकुलर निज़ाम का दावा कर रही थी, तो फिर क्या ही होता कि भाई उनके साथ ही फिर रह के जो है सेकुलर निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही जो है इसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ताल्लुक नहीं कि ये मुल्क जो है सेकुलर सिस्टम के लिए, जो सेकुलर निज़ाम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हासिल किया गया। तो ये खैर ये एक तनाज़ा था जिसका आगाज जो है कायदे आजम की जो है वफात के साथ ही शुरू हुआ और अभी तक भी मौजूद है। तो खैर जो है तकरीबन पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने जो है पहला जो है करारदादे मकासद का जो है ड्राफ्ट पेश किया लियाकत अली खान की सरबराही में। 7 मार्च 1949 में जो है ये असेंबली में पेश किया गया और 12 मार्च 1949 को जो है ये करारदादे मकासद का जो है ड्राफ्ट पास हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये करारदादे मकासद के अहम नुकात कौन से हैं। तो करारदादे मकासद का जो है आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। तो इसके इब्तिदा में जो है अल्फाज जो है इसके करारदादे मकासद के जो है, चूंकि जो है चूंकि अल्लाह तबारक व ताला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैर हाकम मुतलिक है, और उसने जमहूर की वसातत से ममलिकत पाकिस्तान को इख्तियार हुक्मरानी अपनी मुकर्रर करदा हदूद के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नियाबतन अता फरमाया है। और चूंकि ये इख्तियार हुक्मरानी एक मुकद्दस इमानत है, लिहाजा जमहूरिया पाकिस्तान की नुमाइंदा मजलिस दस्तूर साज असम्बली ये फैसला करती है कि आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए दस्तूर मुरतब किया जाए। यानी कि असल तो ये चीज है कि
इस जो है करारदादे मकासद के जरिए ये बात वाजियात कर दी गई कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। यहाँ पे कोई और कोई जात, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी नहीं जो सॉवरेनिटी का मालिक हो। सॉवरेनिटी का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, और यहाँ पे जो अवाम है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है इन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए हैं, और अल्लाह ताला के जो है अहकामात के इम्प्लीमेंटेशन करना इनका असल में काम है। तो ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ डिवाइन गाइडेंस कानून साजी करेंगे, और कोई भी कानून साजी जो है वो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं होगी। तो ये फर्स्ट जो है जो इसका जो नुक्ता है वो सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह, इक्तदार आला का मालिक जो है अल्लाह ताला की जात है। फिर दूसरा नुक्ता बहुत अहम है, देयर विल बी नो लॉ रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना, कोई भी यहाँ पे ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कि कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, जो कि कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हो। तो अगरचे यहाँ पे जमहूरी निज़ाम होगा, लोगों को जो है अवाम मुंतखब करेगी, लेकिन ये लोग जो है कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे जो कि कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो। तो ये बात वाजिया नुक्ता है। फिर उसके बाद जो है तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि करारदादे मकासद में ये वाजिया तौर पर कहा गया कि यहाँ पे जमहूरी निज़ाम होगा, जमहूरियत, हुर्रियत, मुसावात, रवादारी और अदल की हुक्मरानी होगी, यानी कि लोगों को जो है इंसाफ जो है बिला किसी तमीज के, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का ग्रेड बेहतर है, कोई अफसर है और कोई आम इंसान है, तो इंसाफ जो है उनको जो है ये मुसावी मिलेगा, जो हकदार है उससे उसका हक अदा किया जाएगा। तो वाजिया तौर पर ये है यहाँ पे जो जमहूरियत, हुर्रियत, मुसावात और अदल इंसाफ की हुक्मरानी होगी। इसके अलावा चौथा जो नुक्ता हमारा जो है करारदादे मकासद का वो ये है कि यहाँ पे जो है हकूमत का काम है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट तख्लीक करे कि जिसमें लोग जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, लोगों को जो है इस्लामी तालीमात के हसूल के लिए जो है वो मौके फराहम किए जाए, आसानियाँ फराहम की जाए कि लोग जो है इस्लामी तालीमात जो है वो आसानी से हासिल कर सके। तो ये समझ लें कि जो है हुकूमत का काम है कि वो इस्लामी इन्वायरमेंट कायम करना ताकि जो है लोग अपनी जिंदगियों को जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक चला सके। उसके बाद जो है पांचवा जो नुक्ता जो है बहुत ज्यादा अहम है वो है अकलियतों का तहफ्फुज़, अकलियतों को जो है आज़ादी होगी। ये आप याद रखें, मतलब अकलियतों को आज़ादी जो है ये कोई नया कोई वेस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को जो कायदे आज़म को कहा था कि हमें उम्मीद है कि आप अकलियतों के साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा कि अकबर ने अपनी अकलियतों के साथ किया था, तो कायदे आज़म ने फौरी तौर पर यह जवाब दिया था कि हमें अकबर हमारे लिए कोई आइडियल नहीं, हमारे लिए आइडियल जो है 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिन्होंने जो है अकलियतों को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम किया, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में जो है अकलियतों को तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें मुसलमानों की जो है सबसे बड़ी सल्तनत जो है सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, उसमें भी जो है 2/3 जो है पॉपुलेशन जो है वो गैर मुस्लिम थी, और उन सब को जो है जो तहफ्फुज फराहम किया गया, उनको आज़ादी फराहम की गई, हत्ता कि वो अपने कानून के मुताबिक जो है वो फैसला कर सकते थे। तो ये है कि अकलियतों को जो है पाकिस्तान में जो मुकम्मल तौर पर तहफ्फुज फराहम किया जाएगा। छठा नुक्ता जो बहुत ज़्यादा अहम है वो स्टेट स्ट्रक्चर से मुतल्लिका है, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे जो निज़ाम जो है वो बाकी निज़ाम होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा बल्कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसके मुताबिक सूबों को जो है ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी हासिल होगी, और मरकज के पास कम ताकतें होंगी, सूबों के पास ज्यादा ताकतें होंगी। तो ये जो है ताबे ये वाजिया तौर पर जो है पाकिस्तान बनने से पहले भी ये फैसला कर लिया गया था कि ये जो रियासत जो है ये वफाकी तर्ज हुकूमत जो है इसमें इम्प्लीमेंट होगा, और अगर इस निज़ाम से वफाकियत से जो है
रूगरदानी की जाएगी तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। तो ये तमाम तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात वाजिया की गई कि यहाँ पे जो है वो वफाकी निज़ाम होगा। फिर सातवां नुकता जो है वो है बुनियादी हकूक की जमानत। यहाँ जो है पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी शहरी हैं इनके बुनियादी हकूक की जो है जमानत दी जाएगी, उनको जो है उनके बुनियादी हकूक का जो है तहफ्फुज किया जाएगा। मतलब हम लोग अगर देखें बुनियादी हकूक जो बहुत ज्यादा है, जो है UNO ने भी जो बहुत ज्यादा जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए हैं, तो हम लोग अगर सिंपली अगर प्रिसाइजली देख लें तीन अहम जो है फंडामेंटल राइट्स है, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इन तीन का कम अज कम जो है तहफ्फुज हर स्टेट की जिम्मेदारी है। तो करारदादे मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत जो है यहाँ के तमाम शहरियों के जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो ये तकरीबन एक स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कि इसके जो अहम निकात हैं जिनमें ये बात वाजिया कर दी गई कि इस्लाम जो है इस्लामी तालीमात जो है वो अहम तरीन नुकता होगा इस स्टेट के निज़ाम को चलाने के लिए। तो बाकी हम लोग अगर देखें जो है करारदादे मकासद की जो है अहमियत जो है वो कितनी है क्या है, वो हमें जो है ये जाहिर हो जाती है कि करारदादे मकासद जो है ये समझ लें कि एक वो स्ट्रक्चर है कि जिसकी बेस पे जो आने वाले जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वो इसी बेस पे ही बनेंगे और इसके मुताबिक ही जो है वो स्टेट का निज़ाम चलेगा। तो बाकी जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का जो है ये करारदादे मकासद जो है प्रीएम्बल भी बना और ये इन असूलों को जो आर्टिकल्स भी जो है उनमें भी शामिल किया गया और आठवीं जो तरमीम के जरिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है। तो लिहाजा इसके मुताबिक ये जो है वाजिया होता है करारदादे मकासद से कि ये वो जान है ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे वो सिस्टम की और इस स्टेट की जो बर्थ है जो उसका जो बुनियादी मकसद है उसकी ये जान है कि हमने जो है यहाँ पे इस मुल्क में जो है इस्लामी कवानीन की जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है और जो है लोगों के लिए जो है एक नमूने के तौर पर जो है सामने आना है कि इस्लाम जो है अदल और मुसावात का जो है जो निज़ाम हमें जो देता है उसको जो है बकायदा दुनिया के सामने जो है पेश करना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मौजू, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है जो गुफ्तगू करेंगे उसमें जो है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर भी बात करेंगे और बाद में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें भी जो है जो उसके इस आर्टिकल्स जो है जो खास तौर पर जिसमें जो है इस्लाम से मतलब जो है बातचीत की गई है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारी फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।